नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को देख रहे थे और उसमें यूपी स्पेशल के हमने कई पेपर सॉल्व कर लिए हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। उसी सिलसिले में ये नया पेपर है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है? तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है। और अगर स्थापना वर्ष पूछ ले तो 1975 में स्थापित हुआ था ये विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम पांच सबसे बड़े नगर कौन कौन से हैं? तो देखिए, 2011 की जो जनगणना है ना, उसके हिसाब से कहा जाए तो कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है और गाज़ियाबाद है, उसके बाद आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो इसमें जो आंसर दिया है ना, वो दिया गया है 2001 की जनगणना से। लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट हो जाना है 2011 की जनगणना, ठीक है ना? ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए तो 2011 में क्या हो जाएगा आपका, कानपुर नगर, यानी ऑप्शन ए तो सही रहेगा, कानपुर नगर, उसके बाद लखनऊ भी सही रहेगा, तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपका वाराणसी ना होकर के गाज़ियाबाद आ जाएगा, फिर आगरा रहेगा, यहाँ पर वाराणसी रहेगा, और उसके बाद मेरठ और फिर प्रयागराज। तो 2011 की जनगणना याद रखिएगा, 2011 के हिसाब से मैंने क्या बताया आपको, कानपुर नगर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 25 अक्टूबर 2019 को लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। अब देखिए, कन्या सुमंगला योजना में है क्या, तो याद रखिएगा, इसमें अधिकतम दो बेटियों को, एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों को 6 चरणों में, यानी कि प्रथम जो 6 चरण होंगे उसके ग्रेजुएशन तक में, जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक में, उसे 15,000 रुपये दिए जाएंगे कुल मिलाकर के, ठीक है ना? एक व्यक्ति और एक कन्या को, और अधिकतम एक परिवार में दो कन्याओं को ही ये योजना का लाभ मिलेगा। अब संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, कन्या सुमंगला योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई थी या कब शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर 2019, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, संगम योजना काफ़ी पहले की योजना और कई बार प्रश्न में आ चुकी है। संगम योजना याद रखिएगा, पहली बात तो विकलांगों के लिए है, ये क्लियर हो जाए, और 15 अगस्त, ठीक है ना, 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। इसमें भी सहायता राशि जो है, ताकि मतलब मेन उद्देश्य इसका ये था कि विकलांग व्यक्तियों को समूहों में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न कराने हेतु सक्षम बनाया जाए, और इसलिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान था, 15,000 रुपये की सहायता विकलांगों को। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए ही थी, इसे भी आप जानिएगा, ठीक है ना? तो संगम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी तिथि हो गई, कब ये शुरू हुई थी। अब देखिए, पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, याद रखिएगा, पहली बात पीएससी विद्रोह मई 1973 में हुआ था और कमलापति त्रिपाठी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 4 अप्रैल 1971 से लेकर के 12 जून 1973 तक, यानी 71 से 73 के समय तक कमलापति त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के सीएम थे, और उन्हीं के समय 1973 में पीएससी विद्रोह हुआ था। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? देखिए, आगरा में है, और जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है ना, उसी के परिसर में ही है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1953 को हुई थी, 14 सितंबर आप जान रहे हैं, हिंदी दिवस भी हम मनाते हैं, और 1953 को हुई थी, ठीक है ना? कहाँ पर है? आगरा में ही है, मैंने बताया, बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के परिसर में ही है। अब देखिए, इसके अलावा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में नहीं पाई जाती है? नहीं, प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या कह रहा है, चेरो, खरवार, गोंड और सहरिया, तो ये कई बार आपको जनजातियों पे विशेष ध्यान देना है, और सहरिया जनजाति यहाँ पर जो दिया है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये पाई कहाँ जाती है, ललितपुर ज़िले में। और अगर वाराणसी ज़िले में पाई जाने वाली जनजातियों की बात करें तो चेरो, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक, पथारी, ये सभी जनजातियाँ वाराणसी ज़िले में पाई जाती हैं। यहाँ नहीं पूछा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण पर कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर की पत्रिका है, ठीक है ना? तो ये गोरखपुर से होती है। अब निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है, सुमेलित नहीं है, ठीक है?
जल विहार का मेला बुंदेलखंड, ठीक है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, चलिए ठीक है। बलदेव छठ मेला ये जो पूर्वांचल दिया है यहाँ पर हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है ना। तो ये हरियाणा फरीदाबाद, तो नहीं पूछा था तो बलदेव छठ मेला, क्योंकि ये पूर्वांचल में ना हो करके हरियाणा का त्यौहार है, हरियाणा का मेला है, फरीदाबाद में होता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है, याद रखिएगा। अन्य तीन मेले हुए हैं हमें वो भी पता होना चाहिए, जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में है, तो जाहिर सी बात उनका जन्म हम जान रहे हैं और कहाँ पैदा हुए थे ये हम जान रहे हैं। तो कहाँ जिसे मृत्यु लिखा है यहाँ मर गए थे, तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल क्यों है, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पर अपने ये कहेंगे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मोक्ष को प्राप्त किया था, और इसे प्राचीन काल में कुशीनारा कहते थे, ठीक है ना। कुशीनगर को कुशीनारा कहते थे। मृत्यु कब हुई थी, 483 BC में। कितनी उम्र थी, 80 साल, ठीक है ना। और देखिए जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो इनके शरीर के भागों को, इनकी हड्डियों को स्तूपों में स्थापित किया गया। कुल 8 स्तूप बनाए गए थे जहाँ पे बुद्ध के स्मृति अवशेष हैं, ठीक है ना। 8 स्तूप थे, उन 8 स्तूपों में से एक जो है वो कुशीनगर कुशीनारा में भी है। उसका नाम पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा, वो है रामभर स्तूप, ठीक है ना। रामभर स्तूप, और यहाँ बुद्ध की अस्थियाँ हैं, आपको मैंने बताया ही है। तो रामभर स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। पूछ रहा है किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है, बर्नियर। देखिए बर्नियर टेवर्नियर दोनों ही फ्रांसीसी थे, ठीक है ना, लेकिन कहा बर्नियर ने है। अब काशी को भारत का एथेंस इसने कहा है, साथ ही साथ फ्रांसीसी था और एक चिकित्सक भी था, मुगल राजकुमार दारा शिकोह जो था उसके चिकित्सक के रूप में भी इसने काम किया था। तो बर्नियर ने कहा था एथेंस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी, बिल्कुल सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का 4वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 4वां नहीं है, 3रा है। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है ना। पहले देख लीजिए यहाँ पर एक कथन सही है और ये कथन गलत है, क्योंकि 4वां नहीं 3रा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर का चयन करना था तो केवल एक ही सही है। अब देखिए 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो हैं लेकिन संचालित इस समय 3 ही हो रहे हैं, कौन कौन से अगर कहा जाए तो माफ़ कीजिएगा, पहला जो है कुल 5 में से जो जेवर है वो, और एक अन्य हवाई अड्डा जो कुशीनगर में है जो अभी संचालित हो रहा है उसको छोड़ दिया जाए, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से होंगे, तो लखनऊ हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा और कुशीनगर हो जाएगा। ये 3 तो जो है संचालित हो रहे हैं, लेकिन जो ये कुशीनगर, माफ़ कीजिएगा, जेवर वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अभी संचालित नहीं हुआ है, और इसके अलावा एक और एयरपोर्ट है जो अयोध्या में बन रहा है वो भी, तो उद्घाटन तो हो चुका है लेकिन संचालित अगर ऑपरेटिव बोले तो 3 ही हैं। कौन कौन से 3 अगर बोले तो, यानी लखनऊ का है, वाराणसी का है और कुशीनगर का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 संचालित हो रहे हैं, 2 जो भी निर्माणाधीन हैं वो हैं अयोध्या और जेवर, ठीक है। लेकिन प्रश्न में अगर आपसे पूछे कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं तो 5 आप ही बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में, तो वहाँ ही आपको पता ही होगा। अब सिंगरौली के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, स्पष्ट है। और कोयले के जो प्रमाणित भंडार की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग पूछे तो उत्तर प्रदेश भारत में 9वें स्थान पर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो सोन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन सोन घाटी कोयला क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो सीधी जिला है, ठीक है ना, MP का सीधी जिला, वहाँ मुख्यतः वो आएगा, और अंशतः जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला आ जाता है। लेकिन जो मेन मतलब अगर पोर्शन है तो वो MP में आ रहा है, ठीक है ना। अंशतः ये UP में तो आ रहा है, लेकिन अगर मेजर पार्ट बोल दे तो
इस घाटी का जो है वो एमपी में आता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ठीक है, अब देखिए, प्रयागराज का नाम कभी भी निर्यात विकास केंद्र के रूप में हमने सुना ही नहीं है, तो नहीं पूछा था तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आगरा जो है वहाँ पे सिल्क हो गया, कारपेट हो गई, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर, बैग आदि जो होते हैं लेदर के, वो सब होते हैं। खुर्जा के लिए हमारा पॉटरी हो गया, सिरेमिक टाइल्स हो गई, ये सब इम्पॉर्टेंट है निर्यात विकास केंद्र की दृष्टि से। और मेरठ आप जान रहे हैं टेक्सटाइल हो गया, खेल का सामान और गोल्ड ज्वेलरी, ये सब वगैरह के लिए मेरठ फेमस है, प्रयागराज में ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएँ दर्शाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, सेवाओं, यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएँ दिखाती हैं। UPSIDC मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, स्थापना हुई थी 1961 मार्च में, मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में। स्थापना कब हुई थी? मार्च 1961, ठीक ना, याद रखिएगा। अब इसका उद्देश्य आप जान ही रहे होंगे, विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, एल्फ्रेड पार्क यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे और उन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम श्री चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर पूछे तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना हो जाएगी। कहाँ पर पूछे तो पिपरी गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में, और ग्रेविटी डैम ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसका दूसरा नाम जिस नाम से जाना जाता है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से भी जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा रिहंद परियोजना। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाते वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, तीन राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन बी। अब हरित क्रांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखना है, और अगर भारत में बोले तो एम एस स्वामीनाथन को जनक कहा जाता है, इन दोनों चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल कौन सी है? तो राई और सरसों, ऑप्शन सी। अब देखिए, तिलहन फसल पूछा है, राई और सरसों। अब ये भी याद रखिएगा, खाद्यान्न फसलों के बाद जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है बोने का वो तिलहन फसलों का ही है, और भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए कौन सा क्रांति आई थी? तो पीत क्रांति, यानी येलो रेवोल्यूशन, ठीक है ना, तो तिलहन से संबंधित है पीत क्रांति, दलहन से कन्फ्यूज मत करिएगा, तिलहन से संबंधित है पीत क्रांति। इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। अगली वीडियो में हम अन्य प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।